चलिए बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, ओके। तो हम बेटा पढ़ रहे हैं आईटीएफ, और आज आपका आईटीएफ समाप्त हो जाएगा, ये आज इसका लास्ट लेक्चर है। ओके बच्चों, जिन भी बच्चों को डाउट्स हो वो हमें फोन करें और अपने क्वेश्चनों को व्हाट्सएप पे सेंड करें। ऐसे मत करा केवल सेंड कर दो, एक बार कॉल जरूर करें, एक बार कॉल जरूर करें। ओके तो बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं। बेटा लिखना मत, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे मैं लिखूं साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसकी वैल्यू बताइए, या कोस इनवर्स कोस 7π/6, इसकी वैल्यू बताइए, या टेन इनवर्स टेन 2π/3, इसकी वैल्यू बताइए। अब ऐसे तीनों क्वेश्चन बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में तो मेंशन नहीं है, लेकिन हमें आने चाहिए। क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2π/3 आएगा, लेकिन ये 2π/3 इसकी रेंज में नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? बच्चों साइन इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? -π/2 से +π/2, लेकिन ये इस रेंज में नहीं है, नहीं है, तो ये इसका सही आंसर नहीं है, ये इसका सही आंसर नहीं है बेटा, ध्यान रख लेना, समझ गए? तो फिर क्या करें, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, साइन इनवर्स साइन, इस एंगल को क्या लिख दो, π/π/3, साइन इनवर्स बेटा पाई का एंगल है, नो चेंज, π- दूसरे में, दूसरे में साइन पॉजिटिव, साइन π/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/3, π/3 अब इसी रेंज में आता है, ये हमारा सही आंसर हो। इधर आ जाओ, इसी तरह हम इसको भी नहीं काट सकते, क्योंकि काटेंगे तो ये 7π/6 आएगा, 7π/6 इसकी रेंज में नहीं आता, ये हमारा आंसर गलत, 7π/6 इसकी रेंज में नहीं आता है। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, इसको क्या लिखते हैं, cos 5 + π/6, पाई का एंगल है, नो चेंज, π+ थर्ड में, और थर्ड में कॉस नेगेटिव, -cos π/6। तो बच्चों आप जानते हैं कॉस इनवर्स का नेगेटिव पाई के साथ बाहर आता है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, π - π/6, ये आपका 5π/6, अब 5π/6 आपकी रेंज में है, तो ये हमारा सही आंसर। तो ध्यान रखना बच्चों, जो भी एंगल बने ना वो उसकी रेंज में बनना चाहिए, अगर रेंज के बाहर गया तो हमें उसको व्यवस्थित करना होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इधर देखो, इसका भी बनाए तो ये 2π/3 बनेगा, और 2π/3 भी इसकी रेंज में नहीं आता, ये भी इसकी रेंज में नहीं आता है, समझ गए? फिर भी यहां बनाओ, ये भी गलत, तो टेन इनवर्स टेन, इसको क्या लिखते हैं, π - π/3, टेन इनवर्स दूसरे में जाएगा, π - tan π/3, और बच्चों हम जानते हैं कि इसका नेगेटिव डायरेक्टली बाहर आ जाता है, tan π/3, इससे ये कैंसिल, -π/3 और -π/3 अब इसी के रेंज में लाइक करता है। तो ध्यान रखना, इस तरह के आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ गए कि नहीं आओ? देख लो एक बार अच्छी तरह, सभी बच्चे एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आपकी एक नंबर की दावेदारी में पूछे जाते हैं, क्लियर? और देखो बेटा आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका विविध का 20वां, इफ 5 = tan inverse x√3/2k-x और θ = tan inverse 2k 2x-k/√3, और हमसे बोला जा रहा है कि प्रूव दैट
पाई माइनस थीटा बराबर 30 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चों कुछ नहीं करना, आपको फाई की और थीटा की वैल्यू पुट करा देंगे। सॉल्यूशन, फाई माइनस थीटा टेन इनवर्स बोलो। और देन इसके बाद का तो बच्चों आप भी जानते हो, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। नमस्ते, आ गया समझ में? छोटा सा फॉर्मूला यूज करा दिया, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला। ओके, एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम सेम आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे रूट थ्री, टू के माइनस एक्स, टू एक्स माइनस के, इसका मल्टीप्लाई इधर रूट थ्री के, टू के माइनस एक्स, रूट थ्री एक्स, टू एक्स माइनस के। बोलो इनका मल्टीप्लाई कराओ, टेन इनवर्स कराओ बच्चों, मल्टीप्लाई थ्री के एक्स बोलते जाना, फोर के एक्स माइनस माइनस प्लस, टू के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस के एक्स अपॉन, इसमें से रूट थ्री कॉमन ले लो, इसका मल्टीप्लाई से करो, 2k स्क्वायर माइनस के एक्स, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स। नमस्ते, डन। अरे सबको दिख तो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स टू के स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स, रूट थ्री, टू के स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स, इससे ये कैंसिल, टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री, और वन बाय रूट थ्री का होता है 30 डिग्री, हेंस प्रूफ। अरे आ गया बच्चों समझ में, सबको कंफर्म? अरे हाँ ना तो बोल दो। ओके चलो, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी का उठा हुआ रूप देख, टेन इनवर्स वन बाई टू, टेन टू ए प्लस टेन इनवर्स कोट ए प्लस टेन इनवर्स कोट टू ए, और बराबर हमें जीरो प्रूफ कराना है, बराबर जीरो प्रूफ कराना है। किसी कौन सी साइड को लेके चले, एलएचएस हटा दो जीरो। ओके बेटा, इसमें फॉर्मूला लगा दो, इसका टेन इनवर्स वन बाई टू, टेन टू ए का फॉर्मूला बोलो बच्चो, रूट टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस, इस पर आप फॉर्मूला लगा दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। हेलो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स है, अपनी अंतरात्मा में फॉर्मूलों को बोल लिया करें, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। नमस्ते, इससे तो ये कैंसिल, टेन इनवर्स टेन ए
वन माइनस टेन स्क्वायर ए। बच्चों इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें, ऊपर से कोट ए कॉमन है, ये बन जाएगा आपका वन प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये वन फोर है इसके फैक्टर कर दो, वन माइनस कोट स्क्वायर वन प्लस कोट स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। बोलो 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 बोलो, टेन इनवर्स टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन इनवर्स इसको भी टेन में बदल दो, इसको भी टेन में बदल दो। नमस्ते। अरे आ रहा है ना बेटा समझ में तो आप लोगों को, टेन इनवर्स टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर एलसीएम ले लो तो ऊपर जाएगा फिर टेन ए, और ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए माइनस वन। क्या किया, एलसीएम लिया, ये एलसीएम ऊपर जाएगा तो एक टेन ए कट जाएगा, और इसमें से माइनस कॉमन ले लो, टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस बाहर ही आ जाएगा, टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए, सेम टू सेम होने के कारण जीरो। हेंस प्रूव। तो इस तरह से बच्चों इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। अब बेटा मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, आपके जो डाउट्स हो तो कल मुझे डाउट्स व्हाट्सएप कर देना, और जब व्हाट्सएप करो तो एक बार फोन भी जरूर कर देना जिससे पता तो रहे मैं। ओके थैंक यू, धन्यवाद।